जब हम घर से बहुत दूर या तो किसी काम के लिए या फिर कहीं घूमने के लिए निकलते हैं, तब सड़कों के किनारे लगे साइन बोर्ड और माइल स्टोन होते हैं, वही हमारे सही मार्गदर्शक बनते हैं। हाँ, आजकल गूगल मैप ज्यादा होता है, लेकिन आज भी कई ऐसे लोग हैं जो मील के पत्थरों की मदद लेते हैं और आगे उन्हें जहां जाना होता है उस बारे में उन्हें पता चलता है कि आगे कौन सा गांव आने वाला है या फिर कौन सा बड़ा शहर आने वाला है और वो कितना दूर है इसका भी पता चलता है कि। लेकिन अगर आपने कहीं भी इन मील के पत्थरों को गौर से देखा होगा तो आपको पता होगा कि मील के पत्थर अलग अलग रंग के होते हैं। जैसे कुछ मील के पत्थर पीले रंग के होते हैं तो कुछ नारंगी रंग की, कुछ काले रंग की होते हैं तो कुछ हरे रंग के, और कुछ सफेद रंग के भी मील के पत्थर होते हैं। असल में हम में से ज्यादातर लोग इन मील के पत्थरों का इस्तेमाल आगे कौन सा शहर या कौन सा गांव आने वाला है और वो कितना दूर है सिर्फ इसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। लेकिन ये मील के पत्थर हमें और भी कुछ बताते हैं जिसके बारे में हम में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं मील के पत्थरों के बारे में जानेंगे कि हमारे भारत में कुल कितने रंग के मील के पत्थर होते हैं, उन अलग अलग रंगों का क्या मतलब होता है, हमारे भारत में कुल कितना बड़ा रोड नेटवर्क है, रोड नेटवर्क के मामले में भारत कितने नंबर पर आता है, भारत में कितने तरह के सड़क होते हैं और उनका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नारंगी रंग के पत्थर की। अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, रास्ता भटक जाए तो जाना आपको शहर में है लेकिन आप जान नहीं पा रहे हैं कि आप शहर जा रहे हैं कि गांव, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सड़क के किनारे लगे पत्थर पर नजर दौड़ाइए। मुख्य सड़क के दाईं ओर और बाईं ओर जाने वाले ग्रामीण सड़कों पर एक प्रकार के नारंगी रंग के बोर्ड आपको जरूर नजर आ जाएंगे। अगर आपको नारंगी रंग का पत्थर नजर आ जाए तो समझिए कि आप किसी गांव की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस रंग के माइलस्टोन सिर्फ ग्रामीण सड़कों पर ही लगे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से बने सड़क पर सफर कर रहे हैं जो आपको किसी गांव तक ले जाएगी। इसके बाद बात करते हैं हरे रंग के मील की पत्थर की। यह पत्थर हरा और सफेद रंग का होता है। आपने सफर के दौरान इस रंग का पत्थर तो जरूर देखा होगा, क्योंकि ज्यादातर आपको इसी कलर के माइल स्टोन देखने को मिलते हैं, क्योंकि ज्यादातर इलाकों में यही लगे होते हैं। अगर आपको सफर में इस रंग के पत्थर मिलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप किसी स्टेट हाईवे से गुजर रहे हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य के साथ जोड़ता है। इस सड़क का निर्माण राज्य सरकार कराती है, इसलिए इसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की होती है। इसका निर्माण राज्य सरकार ही कराती है। उसके बाद बात करते हैं पीले रंग की मील के पत्थर की। यह माइल स्टोन पीले व सफेद रंग का होता है। सड़क किनारे लगा मिला माइल स्टोन आपको राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने का संकेत देता है, यानी जब आप नेशनल हाईवे पर सफर कर रहे हो तो आपको रास्ते में पीले रंग का ही पत्थर मिलेंगे। यह केंद्र सरकार की ओर से बनाई सड़कों पर लगे होते हैं और इन सड़कों का निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की होती है। उसके बाद बात करते हैं ब्लैक और ब्लू रंग के माइल स्टोन की पत्थर की। इन दोनों का मतलब एक ही होता है। यह कहीं पर ब्लैक और व्हाइट कलर के होते हैं, कहीं पर ब्लू और व्हाइट कलर के होते हैं। इस रंग के पत्थर आपको किसी बड़े शहर में ही देखने को मिलते हैं, दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे, मुंबई जैसे शहरों में। दरअसल काले या ब्लू रंग के मील के पत्थर ये बताते हैं कि आप किसी बड़े शहर या जिले की तरफ बढ़ रहे हैं। इस रंग के माइल स्टोन वाली सड़कें शहर के प्रशासन के अंडर में आती है। नगरीय निकाय इन सड़कों का निर्माण कराती है और कई जगह पूरे सफेद रंग वाले मील के पत्थर लगे होते हैं। इसका मतलब भी यही होता है कि आप किसी शहर की ओर जा रहे हैं।
उसके बाद बात कर लेते हैं सफेद रंग की माइलस्टोन की, जहां पर सफेद रंग के मिल के पत्थर लगे होते हैं। वो ये बताते हैं कि यह लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी के अधीन आता है। इसका निर्माण राज्य शासन द्वारा आवश्यकता द्वारा कराया जाता है। तो ये तो बात हुई माइलस्टोन और उनके कलर की। अब भारत में जो टोटल रोड नेटवर्क है वो अब तक 58,97,671 किलोमीटर की है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत का जो ये रोड नेटवर्क है वह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है, और पहले नंबर पर अमेरिका, जिसके पास 66 लाख किलोमीटर से ज्यादा का रोड नेटवर्क है। और ये उन सड़कों की बात हो रही है जो पक्की सड़कें हैं, लेकिन अगले कुछ दिनों में ये नंबर बदल जाएंगे, क्योंकि सड़कें बनने का कार्य हमारे भारत में कहीं ना कहीं चलता ही रहता है। अब ये जो सड़कें होती हैं वो भी अलग अलग तरह की होती है। जैसे जो सबसे बड़ी सड़क है हमारे भारत में उसे एक्सप्रेसवे कहते हैं, जिस रोड पर बड़ी बड़ी गाड़ियां बहुत तेज गति से चलती है। भारत में एक्सप्रेसवे 1642.5 किलोमीटर की है। ये 8 लेन की या उससे भी अधिक की होती है। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा रोड होता है वो है नेशनल हाईवे। ये 2 या 2 से अधिक राज्यों को जोड़ता है। भारत में 151,019 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।